नमस्कार आदाब, मैं मोहम्मद अफजल और आप देख रहे हैं इंडिया लाइव टीवी 24। आइए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों पर। NH58 दिल्ली हरिद्वार मार्ग पर देर रात ट्रक ड्राइवर से तमंचे के बल पर 1.5 लाख की लूट की कहानी का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। देर रात मंगलोर पुलिस को सूचना मिली कि NH58 दिल्ली हरिद्वार मार्ग पर एक ट्रक चालक से बदमाशों ने हथियार के बल पर 1.5 लाख रुपए की लूट की है। सूचना मिलते ही मंगलोर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले को लेकर छानबीन शुरू की तो लूट की घटना फर्जी निकली। चालक ने ही पैसों को गबन करने के लिए पुलिस को लूट की झूठी सूचना दी थी। पुलिस ने घटना के चंद घंटों में पूरे मामले का खुलासा कर दिया। ट्रक चालक ने ही 1.5 लाख की नकदी को गबन करने के लिए पुलिस को सूचना दी थी। पुलिस ने आरोपी चालक से गबन किए रुपयों को भी बरामद कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ उप धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है। सूचना मिली कि यहाँ पे लूट हो गई है नार्सल बॉर्डर के पास, तो पुलिस जो है वहाँ पे गई तो उससे हमने पूछताछ की तो पाया गया कि वहाँ पे तमंचे के बल पे 1,50,000 रुपये की लूट हो गई है। उसमें हमने जब आगे जांच की तो ये पाया गया कि जिसने हमें सूचना दी, जो ट्रक ड्राइवर था, वही उसी ने जो है पैसे का गबन किया। हमने ट्रक उसी के कहने पे जो हमारा 1,48,000 रुपये बरामद हो गए और उसके बाद उसने बताया कि 2,000 रुपये तेल में चले गए। उसने बताया गया कि जो उसके पारिवारिक ज़रूरतों की वजह से उसने ये सब किया और उसके खिलाफ भी मुकदमा पंजीकृत हमने कर दिया।